क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग करने जा रहे हैं गणितीय आगमन सिद्धांत का। क्या है हमारा कि गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सभी n बिलोंग टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए प्लस ए आर के पावर n माइनस वन इक्वल टू a इंटू आर के पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहता है, दिया गया जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी एन। तो पी एन हमारा क्या है, ए प्लस ए आर स्क्वायर लास्ट टर्म हमारा ए आर के पावर एन माइनस वन दिस इक्वल टू ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, एन बराबर वन के लिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। तो एन बराबर वन रखेंगे तो ए आर के पावर वन माइनस वन यानी जीरो, और किसी के पावर जीरो की वैल्यू वन होती है, तो हमारा सिंपली ये बाया पक्ष हमारा ए हो जाएगा और दाया पक्ष क्या होगा, एन की वैल्यू वन आर माइनस वन। तो ये आर माइनस वन खत्म होके ये हमारा क्या आ जाएगा, ए बराबर ए, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो हमारा क्या पता चल गया कि एन बराबर वन के लिए दिया गया कथन जो है सत्य है। अगला स्टेप क्या होता है, हम लोग मानते हैं कि n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। माना n बराबर k के लिए, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो n बराबर k के लिए सत्य है, इसका मतलब अर्थात पी के जो है हमारा क्या है, सत्य है। यानी पी के हमारा क्या होगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पी के निकालना है तो एन की जगह पे के रख देंगे, तो ए आर के पावर के माइनस वन, ए आर के पावर के माइनस वन इक्वल टू ए इंटू आर के पावर के माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसको हम लोग समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब हम लोगों का अगला स्टेप होगा कि हमको एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य सिद्ध करना है। अब हमें एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य सिद्ध करना है, अर्थात पी के प्लस वन। तो अब हम लोग n की जगह पे क्या रखेंगे, k प्लस वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए इंटू आर के पावर, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस वन, तो k प्लस वन माइनस वन, और राइट साइड में a इंटू आर के पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यानी ये हमारा हो गया a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर ए आर के पावर, ये हमारा k प्लस वन माइनस वन क्या हो गया, ए आर के पावर k, दिस इक्वल टू a इंटू आर के पावर k प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। यही हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो अब जो समीकरण एक है ये हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमारा सत्य है, ये हम लोग मान के चले हैं, इसकी हेल्प से हमको ये लाना है। तो इसमें जो होता है हमारा पी के प्लस वन का जो अंतिम पद होता है, वही हम लोग क्या करते हैं, पी के दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो पी के प्लस वन का अंतिम पद हमारा क्या है, ए इंटू आर के पावर के। तो समीकरण एक हम लोग लेके चलेंगे और इसमें दोनों पक्षों में ए इंटू आर के पावर के जोड़ देंगे। तो समीकरण एक हमारा है, हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, और समीकरण एक हमारा क्या है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के पावर k इक्वल टू, ये हमारा है a इंटू आर के पावर k माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसके दोनों पक्षों में a इंटू आर के पावर के जोड़ने पर,
ये हमारा के माइनस वन होगा, क्योंकि हमारा समीकरण एक क्या है, पी के है। समीकरण एक पी के ए प्लस ए आर स्क्वायर ए आर के पावर के माइनस वन इक्वल टू ए इंटू आर के पावर के माइनस वन अपान आर माइनस वन। तो दोनों पक्षों में ए आर के पावर के हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। अब ये हमारा कहाँ तक जाएगा, ए आर के पावर के, और ये हमारा ए इंटू आर के पावर के माइनस वन अपान आर माइनस वन और ए इंटू आर के पावर के हम लोगों ने जोड़ा है। अब बाएं पक्ष में तो कुछ परिवर्तन होगा नहीं, दाएं पक्ष में हम लोगों को परिवर्तन करना है, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू आर के पावर के माइनस वन अपान आर माइनस वन, ये हमारा है, प्लस ए इंटू आर के पावर के आर माइनस वन से गुणा कर दिया और आर माइनस वन से भाग कर दिया, तो हर बराबर हो गया, तो अंश जुड़ जाएगा ए इंटू आर के पावर के माइनस वन प्लस ए इंटू आर के पावर के इंटू आर माइनस वन और पूरे का बटा आर माइनस वन। अब हमारा ए तो कॉमन ही है दोनों से, या ए इंटू इसको हम लोग लिख दें आर के पावर के माइनस ए प्लस ए इंटू आर के पावर के इंटू आर माइनस ए इंटू आर के पावर के अपान आर माइनस वन। हम लोगों ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ए इंटू आर के पावर के माइनस ए प्लस यहाँ ए इंटू आर के पावर के इंटू आर माइनस ए इंटू आर के पावर के, तो ए इंटू आर के पावर के प्लस ए इंटू आर के पावर के माइनस खत्म हो गया। अब आर के पावर के इंटू आर के पावर वन, तो आर के पावर क्या हो जाएगा, ये के प्लस वन, क्योंकि आधार समान होता है इस टाइप का होता है कि मान लो ए के पावर एक्स है और इंटू ए के पावर वाई, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ए के पावर एक्स प्लस वाई, जो गुणा होता है तो उसमें घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार समान हो। तो यहाँ आर के पावर के है और आर के पावर वन, तो आर के पावर के प्लस वन और माइनस ए अपान आर माइनस वन। तो ये हमारा क्या आ गया, वही जो हमको सत्य सिद्ध करना था, ए इंटू आर के पावर के प्लस वन माइनस वन अपान आर माइनस वन। तो ये हमारा पता चल गया कि पी के प्लस वन सत्य है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात पी के प्लस वन सत्य है, अतः सभी एन बिलोंग टू एन के लिए दिया गया कथन सत्य है, सत्य होगा या है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन हमारा क्या है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सारे के सारे क्वेश्चन हमको वही हैं सिद्ध करना है। 13 नंबर में हमको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है हमारा कि वन प्लस थ्री बाई वन इंटू वन प्लस फाइव बाई फोर इंटू वन प्लस सेवन बाई नाइन, दिस और लास्ट में है वन प्लस टू एन प्लस वन अपान एन स्क्वायर, ये हमारा अंतिम ब्रैकेट है। दिस इक्वल टू हमको सिद्ध करना है एन प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी वन प्लस थ्री बाई वन इंटू वन प्लस फाइव बाई फोर प्लस वन प्लस सेवन बाई नाइन डॉट वन प्लस टू एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का जो दिया गया स्टेटमेंट है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पी एन। पी एन क्या है हमारा, वन प्लस थ्री बाई वन वन प्लस फाइव बाई फोर वन प्लस सेवन बाई नाइन डॉट वन प्लस टू एन प्लस वन अपान एन स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एन बराबर वन के लिए हम लोग देखते हैं, यानी पी वन सत्य है कि नहीं। तो एन बराबर वन रखेंगे तो पहला स्टेप एलएचएस में हमारा केवल यही आएगा, यानी वन प्लस थ्री बाई वन। राइट हैंड साइड में क्या होगा,
वन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये दो दूनी चार और ये वन प्लस थ्री चार बराबर चार। ये यानी एन बराबर वन के लिए, अर्थात एन बराबर वन के लिए जो है क्या है सत्य है। अगला स्टेप क्या होता है हम लोग कि हम लोग मानते हैं कि माना एन बराबर के लिए दिया गया कथन सत्य है। माना एन बराबर के लिए दिया गया कथन सत्य है, अर्थात हमारा जो पी के है वो क्या है सत्य है। तो पी के हमारा क्या होगा वन प्लस थ्री बाई वन, वन प्लस फाइव बाई फोर, वन प्लस सेवन बाई नाइन डॉट डॉट, एन की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे के, तो ये वन प्लस टू के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर, ये प्लस यहाँ बीचों बीच में ये वन इस टाइप का, दिस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर एक हम लोगों ने मान लिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है पी के प्लस वन, अब हमें पी के प्लस वन सत्य सिद्ध करना है। पी के प्लस वन अर्थात हमारा पी के प्लस वन क्या होगा, इसमें हम लोग एन की जगह पे के प्लस वन रखेंगे, तो वो जो है वन प्लस थ्री बाई वन इंटू वन प्लस फाइव बाई फोर इंटू वन प्लस सेवन बाई नाइन, और यहाँ पे एन की जगह पे हम लोग के प्लस वन रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टू इंटू के प्लस वन अपान के प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ एन की जगह पे के प्लस वन और ये प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया एन की जगह पे के प्लस वन, यहाँ पे रखेंगे तो टू इंटू के प्लस वन, वन प्लस टू इंटू के प्लस वन प्लस वन अपान के प्लस वन का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में के प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। अगर थोड़ा सा इसको हम लोग और वो कर दें, वन प्लस फाइव बाई फोर, ये हमारा हो जाएगा वन प्लस टू के प्लस टू, यानी हमारा हो जाएगा टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर। यही हमको क्या करना है सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे पी के वाला लेके चलेंगे, और उसमें हम लोग जो पी के प्लस वन का अंतिम पद है वही दोनों पक्षों में जोड़ देंगे, यानी दोनों पक्षों में समीकरण एक के हम लोग वन प्लस टू के प्लस थ्री अपान के प्लस वन का होल स्क्वायर जोड़ देंगे। तो समीकरण एक का हम लोग यूज करते हैं, समीकरण एक से समीकरण एक से, और समीकरण एक हमारा है क्या, समीकरण एक हमारा ये है कि वन प्लस थ्री बाई वन दिस इक्वल टू वन प्लस टू के प्लस वन बाई टू के प्लस वन अपान के स्क्वायर इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये समीकरण एक में लिख रहा हूँ, ये हमारा है वन प्लस थ्री बाई वन, वन प्लस फाइव बाई फोर, वन प्लस सेवन बाई नाइन डॉट डॉट, वन प्लस टू के प्लस वन अपॉन के स्क्वायर, दिस इक्वल टू के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में वन प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर जोड़ने का।
तो ये हमारा हो गया वन प्लस थ्री बाई वन, वन प्लस फाइव बाई फोर, वन प्लस सेवन बाई नाइन, लास्ट में हमारा हो जाएगा वन प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू हमारा हो गया के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्या किया है, जोड़ा है दोनों पक्षों में, वन प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर हमने दोनों पक्षों में जोड़ा है। अब थोड़ा सा हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, बस सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा, पी के प्लस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ऐसे ही चलेगा, वन प्लस फाइव बाई फोर, वन प्लस सेवन बाई नाइन, वन प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर। दिस इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हमको जो है मैनिपुलेट करके हमको क्या लाना है, पी के प्लस वन लाना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, के प्लस वन का होल स्क्वायर के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस हमारा है अच्छा एक पॉइंट ये हमको देखना है कि जो पी के और पी के यहाँ पे जो टर्म हम लोगों के चल रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जोड़ना नहीं है, हमको क्या करना है, गुणा करना है। क्योंकि पी के और पी के प्लस वन में को बराबर करने के लिए सारे टर्म किस में हैं, गुणा में हैं, और इसमें एक टर्म ज़्यादा है, तो ये वाला टर्म हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ में तो है नहीं। तो ये हम लोगों ने जो लिखा है जोड़ने पर, इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वही टर्म जो है गुणा करने पर, क्योंकि सारे पद इसके क्या हैं, गुणा में हैं, तो ये गुणा करेंगे हमारा, तो ये इधर भी गुणा में हो जाएगा और इधर भी गुणा में हो जाएगा। तो ये हमारा ये साइड तो पी के प्लस वन बन गया और ये किस में आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये के प्लस वन का होल स्क्वायर, के प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू, अब ये हमारा सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो के प्लस वन का होल स्क्वायर, के प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल होगा, ये हमारा हो गया के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू के प्लस थ्री को हम लोग क्या लिख देते हैं, टू इंटू के प्लस वन, यानी टू के प्लस टू तो एडजस्ट हो गया, प्लस वन और बचा है। तो दिस इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया, अब ये के प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग ए मान लें, के प्लस वन को ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो गया, तो के प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू के प्लस वन इंटू वन प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा जो के प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू के प्लस वन है, ये हमारा क्या बदल गया, के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यही हमारा हमको लाना था, क्योंकि हमको फाइनली पी के प्लस वन में क्या लाना था, के प्लस वन का होल स्क्वायर ये लाना था। तो ये हमारा आ गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, अर्थात पी के प्लस वन सत्य है, सत्य है, अतः सभी एन बिलोंग टू एन के लिए दिया गया कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे जो सारे पद थे मल्टीप्लिकेशन में थे, इसीलिए हमको जो पी के प्लस वन का अंतिम पद था
यानी ये हमारा जो था वन प्लस टू के प्लस वन अपन के प्लस थ्री अपन के प्लस वन को ये मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो हम लोगों ने पहले क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, ये जोड़ना नहीं गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे हमारा, उसके बाद सिंपली यहाँ पे एलसीएम ले लिया, फिर जो है ये हमारा टू के प्लस थ्री को हम लोगों ने क्या लिख दिया, टू के प्लस टू प्लस वन, फिर के प्लस वन का प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया ये हमारा।